ज्ञान तिंद्राम शिष्य ज्ञानार्जन समाचार चतो रूपम तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय हरिष्टकालय कृष्णाय कृष्णमत्ताय तद्भक्ताय नमो नमः हे कृष्ण करुणा दीनबंधो जगत्पति गोपीशमलोकिताकांत श्रीराधाकांत नमस्तुते राधाकरावचित पल्लभ पल्लकैके राधापदांक विलस मधुर स्थलिके राधांज समुखम खंगम बलिके राधा विहार विभिने रमतां मन मे राधा विहार विभिने रमतां मन मे सर्वप्रथम महाराज जी मुझे आदेश दिए हैं श्री राधा तत्व गोपर में कुछ बताने के लिए, लेकिन राधा जी का जो तत्व है बड़ा गंभीर तत्व है। श्री प्रबोधानंद सरस्वती श्री राधा रस सुधानी जी ने श्री राधा रानी की चरणा चरण कमलों को वंदना करते हुए बता देंगे। ब्रह्मेश्वरादिषु दुर्लभ पदारविन्दम् श्रीमान् पराग परमाद्भुत वैभव माया प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं जिनका चरण कमल ब्रह्मेश्वरादिषु दुर्लभ पदारविन्दम् जिनका चरण कमल ब्रह्मा के लिए भी बड़ा दुर्लभ है, ब्रह्मा भी जिनको चरण कमल के लिए वो भी कठोर तपस्या करते हैं ब्रह्मा स्वयं। इसलिए हम लोग को पता है कैसे ब्रह्मा कृष्ण का बछड़े और सखा को चुराया, बाद में जब उनको पता चला कि पराग पर तत्व है कृष्ण को चरण में कितने उन्होंने नाद रखे और लास्ट उन्होंने यही प्रार्थना किया। पहले जो उन्होंने वंदना की ब्रज में कोई पशुपति रूप में मेरा जन्म हो, बाद में देखा मेरा इतना सौभाग्य नहीं ब्रज में कोई पशुओं के रूप में जन्म ग्रहण कर सकूं, लास्ट में उन्होंने यही प्रार्थना किया सतपुरी भाग्य अपना जन्म तुम अटक जा गोकुल का बाहर में जहाँ पर छोटे जाति का लोग रहते थे वहीं पर हुए पत्थर जन्म उन्होंने प्रार्थना किया है। इसलिए ब्रह्मा स्वयं हमारे ब्रह्माचल पर्वत रूप में वर्षना रूप में राधा रानी की कृपा को प्राप्त करने के लिए स्वयं वर्षना बने, मेरे ऊपर में राधा रानी की चरण की स्पर्श हो और सुंदर सुंदर लीला आदि हो, इसलिए स्वयं ब्रह्मा हुए वर्षना रूप में प्रकट हुए है। इसलिए कहते हैं ब्रह्मेश्वरादि, इसलिए ब्रह्मा भी उन्होंने जब कृष्ण का स्तुति करते समय पहला श्लोक में भी उन्होंने राधा जी की वंदना की है, जिसको जीव गोस्वामी यह चीज को वर्णना करते हैं नवमी अपराय गुंजावत मुखाय श्लोक को जीव गोस्वामी कहते हैं राधा जी की वंदना है, क्योंकि ब्रह्मा जी को पता है अगर राधा जी का कृपा नहीं हो तो श्री श्याम सुंदर मुझे कृपा नहीं करेगी। इसलिए जीव गोस्वामी बड़े सुंदर रूप में इसलिए उसमें पशुपान में जाय उसी श्लोक में कहते हैं पशु को कौन है महाराज
कहते उनको अंग से जब चार जो प्रकट हुई कौन है, कहते श्रीमती राधा रानी है। इसलिए वहां पर कृष्ण के लिए नहीं लेते लेकिन गुप्त रूप में, क्योंकि श्री सुखदेव गोस्वामी की इष्टा श्री राधा रानी है। इसलिए जब वे भागवत का वर्णना करते समय राधा रानी से प्रार्थना करते हैं, हे स्वामी यू आपका घनो महिमा हो श्रीमद भागवत में हम किस रूप में वर्णना करें। राधा रानी का आदेश है डायरेक्ट रूप में परमात्मा को प्रणाम करना। इसलिए भागवत में रमा श्री लक्ष्मी बधु तर गोपी विभिन्न रूप में श्री श्री सुखदेव गोस्वामी विभिन्न रूप में प्रकाश करते हैं। इसलिए कहते ब्रह्म स्वराज सुंदर राधा रानी के चरण कमल ब्रह्म के लिए भी बड़ा दुर्लभ है। कहते ब्रह्म स्वराज शंकर के लिए भी, जब भगवान वंशध्वनि की शंकर भी स्वयं गोपी बन करके आए, गोपी भी बने, लेकिन जब भगवान रास करते समय उनको भी ब्रज गोपियों ने चोटी पकड़ कर निकाल दिया। इसलिए जहाँ पर शंकर जी वृंदावन में क्षेत्रपाल रूप में ब्रज के बाहर बैठे हुए हैं, इसलिए उनको भी रास जाने राधा रानी की कृपा प्राप्त शंकर के लिए भी दुर्लभ है। ब्रह्मेश्वर आदि आदि शब्द उद्धव है, इसलिए उद्धव की ब्रज में आए, ब्रज में आकर उन्होंने ब्रज गोपियों के उन्होंने महिमा को उन्होंने दर्शन किया है। लेकिन दर्शन करते उन्होंने आशा मंगो चरण रेणु बंदे नक्त ब्रज स्त्रिया एता परा अमृत करते करते वहां पर जो रेणु शब्द है श्री राधा रानी की, कहते एक वचन में केवल राधा जी को उन्होंने कृपा को प्रार्थना की। श्री महाराज जी कहते हैं उन्होंने कृपा को प्रार्थना किए हैं, ब्रज में चला है लेकिन हर समय के लिए नहीं रहे, उन्होंने ब्रज गोपियों को विदा की। जब उन्होंने भ्रमर गीत में जो सज्जल पीजल अभिजल प्रजल जो दस्तर का भाव है उनको विरह की ये मेरा अधिकार नहीं है, मैं इतना विरह का साधन नहीं कर सकता हूँ, इसलिए उनका बाद में लौट आगे कर बतरा। इसलिए कहते हैं जो राधा की चरण कमल ये उद्धव के लिए भी बड़ा दुर्लभ है, उद्धव को भी प्राप्त जो वस्तु है। और ब्रह्मेश्वर आदि शब्द नारद है, नारद भी नारद कुंड में वहाँ पर भी गिरिराज के तलहटी में जहाँ पर नारद स्वयं वहाँ पर राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए वहाँ पर भी नारद के गोपी रूप में उन्होंने वहाँ पर साधन भजन किए हैं। और ब्रह्मेश्वर आदि सुगत आदि स्वर आदि आदि जो ईश्वर जो कृष्ण है, कभी कभी राधा रानी के चरण कमल कृष्ण के लिए भी दुर्लभ हो जाता है। कृष्ण भी तो चरण कमल कभी कभी राधा रानी की बात कर बैठ तो जहाँ पर श्याम सुंदर स्मरण कर वंडनम मम शिरसि मंडनम दही पद बल्लभ मुदार, जहाँ पर श्याम सुंदर तरह तरह से वेश को बनाते हैं, कई बड़े कृष्ण कभी श्यामा सभी तरह तरह का रूप बना करके राधा रानी को मनाने के लिए स्वयं श्याम सुंदर भी जहाँ पर कभी कभी इनके लिए दुर्लभ होता है। किस समय उन्होंने कभी किसी कारण से श्री श्याम सुंदर उनको संकेत था जहाँ पर राधा रानी आकर के मिलने वाली थी, जहाँ पर श्याम सुंदर आकर कुंज बनाए, जब कुंज बनाए लेकिन अभी श्री ईश्वर जी नहीं आए, अभी कृष्ण बड़े छटपटा आते हैं, कभी कुंज को बाहर जाते हैं अंदर में आते हैं। श्याम सुंदर कहते ललिता क्या बात है, श्री ईश्वर जी क्या हमारा पर बिगड़ी हुई है, क्या नाराज है, कभी हो सकता है कि नाराज होगी, मेरे को क्या करनी चाहिए, क्या देखो किसको प्रसन्न करना तो इष्ट मंत्र जब करना पड़ता है। कहते क्या बताओ, फिर राधा जी से उन्होंने किए लड़का से विशाखा से को राधा मंत्र को श्याम सुंदर लेकर के स्वयं श्याम सुंदर कुंज में बैठ करके राधा रानी के मंत्र को जब करते हैं। कभी कभी श्याम सुंदर कभी कभी राधा जी को कृपा प्राप्त करने के लिए राधा कुंड में त्रिसंध्या और स्वयं स्नान करके राधा मंत्र को राधा कुंड में श्याम सुंदर कभी कभी जब करते हैं राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए। लेकिन राधा जी का मंत्र जब किए तो राधा जी नहीं आई, अभी श्याम सुंदर पूछे क्या बात है राधा रानी क्यों नहीं आ रही, कहते लगता है आपका मंत्र सही से जप नहीं हो रहा है, ठीक से जप करो, मन चंचल से जप करने पर कोई राधा की कृपा नहीं, ठीक से जप करो। श्याम सुंदर बड़े गंभीर चिंता से जप कर तभी नहीं आती, कहते क्या करो, कहते मंत्र जब से कीर्तन का सर्वश्रेष्ठ तो कीर्तन ही है, इसलिए कीर्तन करो। अब श्याम सुंदर ब्रज गोपियों को लेकर के वृंदक और मजरा के मृत रचना लगाइए राधा नाम, श्याम सुंदर स्वयं राधा रानी की कीर्तन करते हैं। जब कीर्तन करते हैं फिर कीर्तन करने पर राधा रानी थोड़ी दूर थी, तो राधा रानी पास में थी,
घोरोगे फिर स्वयं श्री किशोर जी स्वयं वहां पर प्रकट हो करके वहां पर दर्शन कहते ब्रह्मेश्वरादिशूद्रोहपदारविंदम प्रभुदास सरस्वती कहते हैं जो राधा जी के चरण कमल आदि स्वर्ण कृष्ण है उन्हीं के लिए भी कभी कभी उनके चरण कमल कभी कभी दुर्लभ हो जाता है, उनको भी प्राप्त करना दुर्लभ होता है। ऐसे श्री राधा रानी का चरण कमल है और ऐसे राधा रानी की महिमा हो गई। इसलिए ब्रह्मेश्वरादि सुदुरु इसलिए स्वयं कृष्ण ही जब ब्रज लीला के बाद में कृष्ण स्वयं जब गोलक वृंदावन में गए गोलक वृंदावन में बैठ बैठ कर सोच रहे हैं सब चीज को मैंने आस्वादन की है मेरा मन में जो इच्छा थी लेकिन तीन चीज तो मेरा दिमाग से बाहर चला गया वो क्या है कहते आदमी आप प्रणामय माम की दृश्य जिन अद्भुत मधुर माम की इसलिए जिस कारण वजह से इस चीज को राधा के अंदर में ऐसे कुछ वस्तु है जो चीज को श्याम सुंदर को उपलब्ध नहीं इसलिए श्याम सुंदर स्वयं कलयुग में राधा महारूप सुबलिता नवमी कृष्ण स्वरूप इसलिए कलयुग में स्वयं हुए चैतन्य महारूप में कृष्ण राधा रानी भाव को आस्वादन करने के लिए वो कलयुग में कृष्ण स्वयं आते हैं ऐसे राधा रानी के श्री चरण कमल है। इसलिए कहते ब्रह्मेश्वरादि सुदूर्व पदारविंदम श्रीमद् पराग परमाद्भुत वैभवया कहते राधा रानी की जो चरण की रेणु है तद अद्भुत महिमा है इसके लिए कोई अधिक शब्द नहीं था मैं तो श्याम रंग में रहूं तो एक पद है लेकिन वो ब्रज में वो पद आने पर जब सुंदर पद था जिसको सुन करके सारे ब्रजवासी और ब्रज के रसिक संत तो विभोर हो गए लेकिन वह श्लोक जब जीव गोस्वामी को पास में आया जीव गोस्वामी उसका आंसर दिया कि इतना आसान नहीं मैं तो श्याम रंग में रंगी है अगर श्याम रंग में रंगना तो तुमको पहले तीन चीज को जीवन में आधार बनाना पड़ेगा कि क्या है तब जीव गोस्वामी उसको उत्तर देते हैं अनाराध्य राधा पदाम भोज रेणु अनाश्रित वृंदावनम तद अटविम असंभाष तद भाव गंभीर चिता कुतः श्याम सिंधु रसस्यावगम तो बोलते श्याम रंग में रंगी इतना आसान नहीं कृष्ण रंग में रंगोगे ये तीन चीज को अपना जीवन में सर्वस्व बनाओ अनाराध्य राधा पदाम भोज रेणु जब तक राधा रानी की चरण रेणु को जब तक तुम आश्रय नहीं करोगे और राधा रानी को चरण को अंकित श्री वृंदावन धाम को जब तक आश्रय ग्रहण नहीं करोगे जब तक सबसे बड़ी वस्तु है राधा रानी को चिंता में राधा रानी के प्रेम रस में सराबर हुआ ऐसे संतों का चरण कमल को जब तक उनको चरण में अभिषिक्त नहीं हो जाओगे कुतः श्याम सिंधु रस श्याम का हो कहां वो श्याम सिंधु में तुम अवदान कहां कर सकते हो इतना आसानी नहीं श्याम रंग में तुम डूब जाओ इतना आसानी नहीं। इसलिए राधा रानी जो चरण जो धूल है प्रवर्तन सरस्वती कहते बड़ा अद्भुत है। इसलिए भक्तिमन ठाकुर कहते हैं जब तक राधा रानी के चरण कमल का आश्रय नहीं करते तब तो कोई वो कृष्ण का कृपा पर वो मंजरी पद को कोई प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए राधा रानी के चरणों का आश्रय करने पर ही उसका जीवन धन्यादि धन्य हो जाता है। इसलिए भागवत में विभिन्न रूप में श्री किशोर जी के विभिन्न रूप में उनको सुखदेव गोस्वामी उनको महिमा को वर्णना किया जिसको जन्मादश यह श्लोक को द्वारा भी वो कैसे हमने बहुत बार उस चीज को व्याख्या किया है कैसे सप्तम परम विमय रूप में सुखदेव गोस्वामी सबसे पहले राधा रानी के चरण कमल को सबसे पहले बड़ी वंदना करते हैं राधा रानी के चरण कमल की महिमा को और श्री रायरामायण का संवाद में हम देखते हैं जहाँ पर वो भक्ति की वर्णना करते करते जहाँ हुए वो भी प्रेम की महिमा को वर्णना करते हैं तासान अभिमूल सौरी स्मयमान मुखा पूजा पीताम्बर रसार की साक्षात मनमत मनमत रास लीला करते करते जब ब्रज गोपियों ने की वो भी गीत को गाए श्याम सुंदर कैसे मनमत का मनमत रूप लेकर के कैसे ब्रज गोपियों को अंदर में प्रकट हुए तासान अभिमूल सौरी स्मयमान मुखा पूजा पीताम्बर घरसर की जैसे किसको चरण में अपराध करने पर जैसे गलवस्त्र दे करके और हाथ को अंजलि बद्ध करते हुए जैसे प्रकट होते हैं श्याम सुंदर अपना को बड़े दोषी मान करके उनको सामने प्रकट होते हैं फिर उन्हें उदाहरण देते हैं नायब श्री और नितान करते हैं प्रसाद कहते ब्रज गोपियों को जो महिमा कहते वह जो सौभाग्य कहते वह सौभाग्य देवता का स्त्री और श्री
को लक्ष्मी को जो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। फिर तीसरे श्लोक को उदाहरण देते हैं, चौथे से चार श्लोकों को राजा रमन ने उदाहरण दिया ब्रज गोपियों को प्रेम की। महाप्रभु सुन करके तुमने साधावती को वर्णना किया है उसको ऊपर है तो कुछ बताओ। फिर वे राधा रानी को प्रेम को वर्णना करते हैं, अनयाराधित नाम और जन्म राधा प्रियम कुंडम प्रियम, ये दो श्लोकों को नहीं। हाँ तुम तो बहुत अच्छा बताया है, लेकिन यहाँ पर श्याम सुंदर राधा रानी को छुपा करके लेकर गए, उसमें प्रेम की प्रकाश नहीं होता है। ऐसे कोई श्लोक का उदाहरण दो, ब्रज भूमियों का अंदर में कृष्ण सर्वश्रेष्ठ, राधा रानी सर्वश्रेष्ठ है, कोई एक स्पष्ट श्लोक का उदाहरण दो। तो वे संसार वासना संसार बद्ध श्रृंखला, उन्होंने गीत गोविंद श्लोकों को उदाहरण दिया, कैसे रासलीला का बीच में हाँ, कैसे श्याम सुंदर राधा रानी को अपना गोद में लेते हुए इस रास से चले जाते हैं, और कभी कभी राधा रानी जब चले गए श्याम सुंदर कैसे राधा रानी को विरह में हा राधे हा राधे हा ईश्वर जी तुम कहाँ हो, तुम तो पागल हो गए, कृष्ण रो रो करके कुंज कुंज में से ईश्वर जी को ढूंढ रहे। इसको सुन करके महाप्रभु तो प्रसन्न होंगे, जहाँ पर राधा रानी की प्रेम की सर्वोत्तमता को जहाँ पर उन्होंने निर्भर किया है। ऐसे ही भागवत में बहुत सारे श्लोक है, बहुत सारे श्लोक है जिसमें राधा रानी की बड़ी सुंदर महिमा श्री लक्ष्मीदेव गोस्वामी वर्णन किया है। इसलिए राधा रानी की अपरंपर महिमा है, सारे वेद वेद रामायण चैव पुराण भारत तथा आज्ञा बंधे राधा सर्वत्र कीयते, राधा रानी को छोड़कर कुछ है नहीं। इसलिए राधा रानी की महिमा अपरंपर, श्री महाराज जी के चरणों में हम वंदना करते हैं। राधा जी की महिमा कभी महाराज जी की कृपा करे, कभी हमको लेकर के रघु गोस्वाम के चरण में, फिर वो ललिता सखी, फिर कभी राधा जी के चरण में, कभी गुरुपाद पद में ही हमें फिर पहुंचाए। लगता है जीव को सबसे ज्यादा ज्यादा